जैसे कि रास्ता देख रहे हैं, ये बालों से आई हुई है और हमको अभी इस रास्ते में जाना है। ये तांदुला डैम की ओर जाएगी, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ से हमको सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है, कुछ इतना है यहाँ से सीढ़ी, तो चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि नेताम। आज मैं आया हूं तांदुला जलाशय बालोद में, तो चलिए मैं आपको तांदुला जलाशय की सैर कराता हूं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तांदुला जलाशय में। ये तांदुला जलाशय है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये तांदुला जलाशय का नज़ारा कुछ इस तरह से है। सावधान, बांध में स्नान करना, मछली पकड़ना, ऊपर वाहन चलाना एवं उलट के दीवार में चलना सख्त मना है। तांदुला और सूखा जलाशय, यहाँ पे इसकी जानकारी लिखी गई है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं अभी, कुछ इस तरह से यहाँ पर लोग। यहाँ पर पानी निकासी के लिए गेट बना हुआ है जो कि इस तरह से है। बहुत खूबसूरत नज़ारा तांदुला जलाशय का, ये कुछ इस तरह से है, आप देख रहे होंगे। आप तांदुला जलाशय के चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये चारों ओर का नज़ारा है। यहाँ पर तांदुला जलाशय के जल स्रोत की ऊंचाई लिखी गई है जो कि अभी लगभग 31 फुट है पानी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं सैर करने के लिए, ये कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी कुछ कुछ लड़के हैं टंकी के पास, जैसे कि अभी देख सकते हैं वो सेल्फी ले रहे हैं। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो तांदुला जलाशय है, कुछ इस तरह से है तांदुला जलाशय, आप देख सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लें तांदुला जलाशय का नज़ारा कुछ इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत। ये तांदुला जलाशय के चारों ओर का नज़ारा है, बहुत दूर तक आपको पानी दिखाई दे रही होगी, ये कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर देख सकते हैं बैठने के लिए कुर्सियाँ बनी हैं कुछ इस तरह से, कुर्सियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सोलर पैनल लगा हुआ है बिजली की व्यवस्था के लिए कुछ इस तरह से। ये तांदुला जलाशय के नीचे का नज़ारा है कुछ इस तरह से। यहाँ से पानी गंगरेल डैम को जाती है, आप देख सकते हैं ये वाली नहर नाली के माध्यम से पानी गंगरेल डैम को जाती है। यहाँ से देख सकते हैं ये तांदुला जलाशय का नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ से तांदुला जलाशय का पानी बाहर की ओर निकलती है, आप देख सकते हैं ये नहर नाली के माध्यम से पानी बाहर की ओर जा रही है कुछ इस तरह से। यहाँ से हम नहर नाली की ओर जा सकते हैं, ये कुछ यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। यहाँ से तांदुला जलाशय का पानी बाहर की ओर निकलती है कुछ इस तरह से बना हुआ है। यह पुल अंग्रेज के ज़माने में बना हुआ है जिसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ से पानी कुछ इस तरह से
आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पानी आगे की ओर जा रही है। यहाँ डैम के नीचे तांदुलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है जो कि इस तरह से है, और यहाँ पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे है ये मंदिर और इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये नौका विहार जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर टिकट घर बना हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। जिसको बोटिंग करना होता है वो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग लिखा है 7 से 10 बजे तक और 4 से 6 बजे तक। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं नौका विहार के पास, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं बोटिंग करने के लिए बोट रखा गया है, और उधर आप देख रहे हैं कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। ये बोटिंग पॉइंट के चारों ओर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग घूमने भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रखी गई हैं, जो लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं उन लोग की ये गाड़ियाँ हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर का नज़ारा, कुछ लोग वहाँ से बोटिंग करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वो लोग बोटिंग करके आ चुके हैं। यहाँ पे का नज़ारा देख सकते हैं बेहद ही सुंदर है, यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, आप देख रहे होंगे बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। चारों ओर पत्थर दिखाई दे रही होगी, पानी में कुछ कुछ पत्थर डूबी हुई है और कुछ कुछ पत्थर बाहर भी हैं। अब हम बोटिंग पॉइंट के दूसरे साइड आ चुके हैं। यहाँ का जगह कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे का जगह कुछ इस तरह से। आज बहुत हवा चल रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी हवा का कुछ ज़्यादा ही। ये बोटिंग पॉइंट की दूसरी ओर का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे का पानी समुद्र जैसा लग रहा है। यहाँ पर आकर आप समुद्र का भी मज़ा ले सकते हैं, कुछ इस तरह से है यहाँ का पानी। अभी आप देख रहे होंगे आपको समुद्र का एहसास हो रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा तांदुला डैम का कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से दूर तक देखने से आपको समुद्र का नज़ारा दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत। अब आप देख सकते हैं ये समुद्र कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये तांदुला डैम है, कोई समुद्र नहीं है, बट आपको यहाँ से समुद्र का एहसास होगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये चारों ओर आपका नज़ारा समुद्र जैसा लग रहा होगा। ये हमारा तांदुला डैम है जो देखने से अभी समुद्र का एहसास हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा तांदुला डैम का। तो चलिए अब तांदुला डैम की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, और यहाँ पे का नज़ारा आपको समुद्र का एहसास कराएगा। ये कुछ इस तरह से है, समुद्र की लहरें आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ इस तरह से है यहाँ पे का बोटिंग पॉइंट का नज़ारा कुछ इस तरह से। और आप दूर तक देख सकते हैं आपको समुद्र का नज़ारा दिखाई देगा, ये कोई समुद्र नहीं, हमारा तांदुला जलाशय है। कुछ इस तरह से है हमारा तांदुला जलाशय, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तांदुला जलाशय। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी हम डैम के दूसरे छोर में आ गए हैं, यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये जो जगह भी दिखाई दे रही है, यहाँ से डैम का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर की ओर निकलती है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से तांदुला डैम का पानी ओवरफ्लो होता है जो कि तांदुला नदी के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, कुछ इस तरह से है सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं। और ये जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ से डैम का पानी ओवरफ्लो होता है, वो जगह है
कुछ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों को बहुत अच्छा डिजाइन करके बनाया गया इस डैम को। ये अंग्रेज के ज़माने में बना हुआ है डैम, जिसकी कलाकारी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये तांदुला नदी पर पुल बना हुआ है कुछ इस तरह से। ये पुल, ये बालोद वाली रोड है और ये पुल का दूसरा ओर आप देख सकते हैं, और ये आपको जाती है झलमला के साइड कलेक्ट्रेट तरफ से। ये देख सकते हैं ये तांदुला नदी है, जहाँ से तांदुला डैम का पानी ओवरफ्लो होकर निकलता है। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। अभी ये जगह सूखा है क्योंकि अभी यहाँ पानी बहुत कम है। जब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होती है तो ओवरफ्लो होकर ये तांदुला नदी बनती है। ये तांदुला नदी के दूसरे ओर का नज़ारा है, कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा। यहाँ से पानी तांदुला नदी के माध्यम से बाहर जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा। ये जो रोड दिखाई दे रहे हैं, पहले यहाँ से गाड़ी चलती थी जब यहाँ पहले पुल नहीं बना हुआ था। अब यहाँ पर पुल बनने की वजह से अब इस पुल में चलती है गाड़ियाँ। पर देख सकते हैं इधर तांदुला जलाशय जाता है और वो वहाँ किनार की ओर जाती है। ये देवतराई वाली रोड है और ये बालोद वाली। तो अभी हमको यहाँ से तांदुला डैम की ओर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग तांदुला जलाशय की प्रमुख विशेषताएँ। यहाँ पर तांदुला जलाशय की विशेषताएँ लिखी गई हैं। आप अभी देख रहे हैं यहाँ से तांदुला नदी का पानी ओवरफ्लो होता है। ये दूसरी ओर आ चुके हैं अभी हम। पहले हम जो गए थे वो उस साइड है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पहले जहाँ से तांदुला नदी का पानी फ्लो हो रहा था ओवरफ्लो, वो वहाँ पर है। और अभी जो हम अभी आए हुए हैं वो ये वाली है जहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है। यह डैम दो डैम मिलकर बना हुआ है। उस साइड दिखाई दे रही है वो आदमाबाग डैम है, और ये जो दिखाई दे रही है ये तांदुला डैम है। यह दोनों सम्मिलित रूप से तांदुला डैम कहलाता है। यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी बनी है। हम इस साइड भी उतर सकते हैं और दूसरी इस साइड भी उतर सकते हैं। यहाँ से आप सीढ़ी देख सकते हैं, नीचे उतरने के लिए बना हुआ है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा। ये तांदुला डैम है कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ियों को डिजाइन करके बनाया गया है। ये अंग्रेज के ज़माने से बना हुआ है, इसी कारण यहाँ का डिजाइन कुछ अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों को कुछ इस तरह से जमा कर बनाया गया है डैम में, कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ का डैम कुछ इस तरह से। और ये नीचे आपको पानी दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे का नज़ारा। अब मैं डैम के नीचे आ गया हूँ। पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मात्रा में पानी भरी हुई है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये तांदुला नदी पर पुल बना हुआ है कुछ इस तरह से पुल, और ये रास्ता है जो बालोद साइड से आती है। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं।